बड़े देश एटमी हथियारों के ढेर लगाते गए, अंबार खड़े करते गए, औरों को वंचित करते गए, एकाधिकार प्राप्त करने का प्रयास करते रहे। बाद में चीन एटमी शक्ति बन गया, उस परमाणु परीक्षण के बाद हमने और कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, करना चाहिए था। प्रधानमंत्री के नाते मुझे जब पहला मौका मिला तो हमने कहा कि देश की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए एक कदम हम जरूर उठाएंगे, दुनिया चाहे जितना विरोध करे हम इससे कदम से पीछे नहीं हटेंगे। आपको याद है दुनिया में कितना बावेला मचा था, हम पर प्रतिबंध लगाए गए, हमारा बहिष्कार किया गया, हमें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श बनाने की कोशिश की गई। हमने उनसे कहा कि जब हम संकट में फंसे थे और आपके पास मदद के लिए गए थे तो आपने हमारी मदद नहीं की, अब हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम आत्मरक्षा के लिए अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, जो हथियार आवश्यक होगा हम बनाएंगे या लाएंगे, मगर वो हथियार हम किसी के हाथ में गिरवी नहीं रखेंगे, वो हथियार हमारे पास होना चाहिए, हमारी रक्षा के काम में आने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उस बात को साल भर से ज्यादा बीत गया है, दुनिया हमारी सुरक्षा की आवश्यकताओं को समझने लगी है। हमने अग्नि का परीक्षण किया, प्रक्षेपास्त्र का, अब हम उसे हथियारों की श्रेणी में शामिल करने जा रहे हैं। हमने रक्षा के लिए पूरी कोशिश की, आज देश अधिक सुदृढ़ है, आज देश अधिक शक्तिशाली है। आप कहेंगे कि देश अगर शक्तिशाली है तो फिर कारगिल क्यों हुआ, इसकी भी कहानी है। यह कहानी सबको समझना चाहिए, क्योंकि हमारे विरोधी ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि सरकार ने ठीक प्रबंध नहीं किया और इसलिए घुसपैठिए आ गए। प्रबंध के बावजूद भी घुसपैठिए आ जाते हैं, ये हमने जम्मू कश्मीर में देखा। पश्चिम बंगाल की सीमा पर भी ये दृश्य हम देख रहे हैं, रोकथाम करते हैं, लेकिन अगर सीमा बहुत लंबी है तो चप्पे चप्पे पर सिपाही तैनात नहीं किया जा सकता। हम नजर रखते हैं, लेकिन नजर बचाकर अगर कोई घुसाए तो फिर उसको अपने देश में पांव नहीं जमाने देते, जब तक उसे धकेल कर बाहर नहीं निकालते तब तक हम चैन से नहीं बैठते। यही हमने किया, इतनी ऊंचाई हमारे जवानों ने किस हालत में लड़ाई लड़ी आप को थोड़ा सा अनुमान जरूर होगा, क्योंकि इस बार की लड़ाई केवल कारगिल में नहीं लड़ी जा रही थी, घर में भी दिखाई जा रही थी, घर घर में देखी जा रही थी। इतनी ऊंची चोटें, इतनी ऊंची चोटियां, 15,000-17,000 फीट की ऊंचाई, सांस लेने में कठिनाई, पीने के पानी की कमी, अचानक आक्रमण, लेकिन प्रशंसा की जानी चाहिए देश के बहादुर जवानों की, जिन्होंने जान पर खेलकर चोटियों पर खड़े हुए आक्रमणकारियों को नीचे लाया। उनके पास मशीन गने थी, वो ऊंचाई पर खड़े थे, चोटियों पर खड़े थे, और हमें उन चोटियों पर कब्जा करना था, हमें वहां तिरंगा फहराना था। जवानों ने जान की बाजी लगाई, एक के बाद एक कुर्बानी दी, मगर आक्रमणकारियों को धरती पर लाने में सफलता पाई और वहां तिरंगा फहरा दिया।
श्रेय जवानों को है, बहादुर जवानों को, अफसरों को। ये मेरी जीत नहीं है, ये किसी पार्टी की जीत नहीं है, ये देश की जीत है, देश के जवानों की जीत है। ये ठीक है कि हमने फैसले सही किए, जब एक बार पहले भी हमारी लड़ाई हुई थी तो सवाल आया था कि हम पैदल सेना के सहायता के लिए वायुसेना मैदान में आए न आए या लाए न लाए, और नई दिल्ली ने फैसला किया था कि वायुसेना लाना ठीक नहीं है, युद्ध भड़क जाएगा, लड़ाई ज्यादा फैल जाएगी। वायुसेना मैदान में नहीं उतारी गई, जवान ज्यादा संख्या में मरे, हमने जमीन खोई। इस बार जब हमने देखा कि आक्रमणकारी हमारी भूमि में पांव जमाने की कोशिश कर रहा है, तो वायुसेना को मैदान में उतारने में हमने कोई संकोच नहीं किया। पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया, वो उम्मीद नहीं करते थे, वो समझते थे कि हिंदुस्तान में सरकार नहीं है, काम चलाऊ सरकार है, लोगों को चुनाव की चिंता है, या आपस में झगड़े करेंगे, प्रतिस्पर्धा में फंसेंगे, जहां जमीन दबा कर बैठ जाओ, कोई हटाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने ऐसा नहीं होने दिया। हमारी सरकार भले ही लोकसभा में विश्वास खो चुकी थी, लेकिन हमने इस देश की 100 करोड़ जनता का विश्वास नहीं खोया था। हमने अपने कर्तव्य के प्रति भी पूरी तरह से जागरूकता दिखाई। हमने निश्चय किया कि हम आक्रमण का मुकाबला करेंगे, और आपने देखा कि सफलता मिली, बहादुर जवानों के पराक्रम के कारण सफलता मिली। कारगिल की चोटियों पर हमारे जवानों ने अपने रक्त से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रेरणा लेती रहेंगी, आने वाली पीढ़ियां उसको नमन करती रहेंगी, वंदन करती रहेंगी। बहनों और भाइयों, हमें देश की रक्षा के लिए हमेशा सन्नद्ध रहना चाहिए। भारत की शांति को भंग करने के लिए जो भी तत्व प्रयत्न करते हैं उनसे निपटना चाहिए। यह ठीक है हम शांति चाहते हैं, शांति मंत्र का जाप करते हैं, शांति के उपासक हैं। कारगिल की लड़ाई में भी जवान मारे गए, उन जवानों ने जिन्होंने वीरगति प्राप्त की, उनके शव हम सम्मान के साथ, आदर के साथ उनके परिवारों तक ले गए, उनके घर वालों तक ले गए। ऐसा पहली दफा हुआ है। अभी तक की लड़ाइयों में कौन कहां मरा, कैसे मरा, इसका पता आता नहीं रहता था। हमने कहा ऐसा नहीं है, जो देश के लिए बलिदान हो गया उसका अंतिम संस्कार बड़ी शान के साथ होना चाहिए, बड़े स्वाभिमान के साथ होना चाहिए। परिवार वालों की हिम्मत देखकर हृदय भर जाता था। कोई मां एक बेटे के बलिदान होने पर कहे कि अगर दूसरा बेटा होता तो मैं उसे भी लड़ने के लिए भेज देती, उस मां के चरणों में सर झुकाने के अलावा और व्यक्ति क्या कर सकता है। लेकिन आपको मालूम है, पाकिस्तान ने अपने शव, अपने जवानों की लाशें कारगिल से उठाने से इनकार कर दिया। लाशें पड़ी रही, 250-300 लाशें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाहाल नहीं। हमने पाकिस्तानी अधिकारियों को खबर दी कि लाशें पड़ी हैं, हमारे जवानों ने, अफसरों ने, लाशें ले जाइए। उन्होंने नहीं माना कि उनकी लाशें हैं।
किसकी लाशें थी? उस समय उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो दुनिया भर में यह प्रचार कर रहे थे कि कारगिल में आक्रमण पाकिस्तानी सेना ने नहीं किया, कारगिल में आक्रमण मुजाहिदों ने किया है। लेकिन सच्चाई सामने आ गई, जो लाशें पड़ी थी उनमें मुजाहिदों की लाशें नहीं थी, पाकिस्तानी फौज के जवान थे। फरेब सामने आ गया, सच्चाई सामने आ गई। कोई अपने जवानों के साथ ऐसा बर्ताव भी कर सकता है, लेकिन हमारी आंखों के आगे ऐसा बर्ताव हुआ। हमारे कुछ जवानों के साथ जातियां की गई, उनके अंग भंग किए गए। हमने लड़ाई के नियमों का पालन किया, सम्मान के साथ सारे शव वापस कर दिए। जो हमने गिरफ्तार किए थे जवान, उनको भी हम वापस करने जा रहे हैं। लड़ाई के भी कुछ नियम होते हैं, लड़ाई की भी कुछ मर्यादा होती है। हमारी संस्कृति है, व्यवहार का हमारा तरीका है। लेकिन अब दुनिया को साफ हो गया, तब पाकिस्तान को मानना पड़ा कि हाँ, हमारी फौज लड़ रही थी। क्यों? आपने शिमला समझौते का विरोध उल्लंघन कर दिया। लाहौर में जो घोषणा तैयार हुई थी उसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। अब वो दावत दे रहे हैं कि आइए बात करिए। हमने कहा बात क्या करेंगे, हम तो विश्वास लेकर गए थे और हमारे साथ विश्वासघात हुआ। अब आगे बातचीत के लिए वातावरण बनेगा, तब बात के लिए दरवाजे खुलेंगे। या आतंकवादी कार्रवाइयां बंद होनी चाहिए, या ISI की जो गतिविधियां चल रही हैं, या RDF जगह जगह पकड़ा जा रहा है, ये बिना पाकिस्तानी जासूसी संस्था की मदद के नहीं आ सकता। सब देशवासियों को सावधान रहना चाहिए, सब देशवासियों को चौकन्ना रहना चाहिए। कारगिल के युद्ध में एक बड़ी अच्छी बात हुई, सीमा पर लड़ने वाले हमारे जवान सब सूबों के थे, सब क्षेत्रों के थे, सब भाषा बोलने वाले थे, सब मजहब को मानने वाले थे, अलग अलग मजहब को मानने वाले भी थे, सब इकट्ठे थे, एक साथ थे, कंधे से कंधा लगाकर लड़ रहे थे। एक जवान की जान चली जाती थी तो दूसरा जवान उसकी जगह लेने के लिए होड़ लगाता था, आगे कूद कर सामने आता था। सारे देश की एकता की तस्वीर प्रकट हो गई, कोई भ्रम में न रहे, किसी को गलतफहमी नहीं होना चाहिए। हम लड़ना भी जानते हैं और हम शांति की साधना करना भी जानते हैं। शांति के लिए हम लाहौर गए थे, लेकिन जब शांति नहीं मिली और युद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया, तो हमने जिन्होंने युद्ध हमारे ऊपर थोपा था उनको पराजित करके वापस भेज दिया। वो चले गए, अब वो कहीं कहीं घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे आर्मी कैंपों पर हमले कर रहे हैं। हम उसका भी प्रबंध करेंगे, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। हम हिंसा से हत्या से डरकर कश्मीर के भविष्य के साथ सौदा कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीर के महाराज ने भारत में मिलने का फैसला किया था, कश्मीर की जनता ने उस फैसले पर मोहर लगाई। यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रस्ताव पास किए थे उन्हें पाकिस्तान ने अमल में नहीं लाया, उसका कश्मीर की जनता पर भरोसा नहीं है। आज वो यूनाइटेड नेशंस के प्रस्तावों की रट लगा रहे हैं, उस समय आपने उन पर अमल क्यों नहीं किया? मगर वो जानते थे कि अगर वो अमल करेंगे तो उनकी हार होगी। वो जबरदस्ती हथियारों के बल पर कश्मीर हथियाना चाहते हैं, उनका ये मंसूबा कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जम्मू कश्मीर की हर कीमत पर हम रक्षा करेंगे, जम्मू कश्मीर की हर कीमत पर हम हिफाजत करेंगे। जम्मू कश्मीर का एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उस एक तिहाई हिस्से की हालत क्या है?
क्या वहां लोकतंत्र है, क्या वहां चुनाव होते हैं, क्या वहां मानवाधिकारों का सम्मान है, क्या वहां चुनी हुई सरकार है? नहीं है। वो बुनियादी अधिकारों से वंचित हैं। उस हिस्से में कौन मिलना चाहेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता ने फैसला कर लिया है कि वो भारत के साथ रहेंगे, और इस फैसले को हथियारों से बदला नहीं जा सकता। दुनिया भी इस बात को समझ गई है, इसलिए पहली बार ऐसा हुआ कि कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान अकेला था और हम सारे संसार का, लगभग सारे संसार का समर्थन लेकर खड़े थे, विश्वास लेकर खड़े थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और यह इसलिए हुआ कि हमारा पक्ष न्याय का पक्ष था, सत्य का पक्ष था। हमारी भूमि पर जबरदस्ती अधिकार किया गया था, हमें वापस लेने थी। हमने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं किया, करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। हमने संयम से काम लिया, जितना शक्ति का प्रयोग आवश्यक था हमने शक्ति दिखाई, और जितना संयम जरूरी था उतना हमने संयम का प्रदर्शन किया।